मेंढकों की। एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। गर्मी की वजह से वो तालाब धीरे धीरे सूखने लग जाता है और आखिर में वो तालाब पूरी तरीके से सूख जाता है। वो सारे मेंढक वहां से निकल जाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो कोई और तालाब में जाएंगे। तो वो सारे मेंढक जब रास्ते में होते हैं, तभी दो मेंढकों का पैर फिसल कर वो लोग एक बड़े से गड्ढे के अंदर जाकर गिर जाते हैं। वो लोग बहुत घबरा जाते हैं, वो लोग कूदने लग जाते हैं, वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं निकल पाते हैं। लेकिन फिर भी वो लोग कोशिश करते रहते हैं। बाकी के जो मेंढक रहते हैं वो उन्हें बोलते हैं, तुम ये काम नहीं कर सकते, यहाँ से कोई भी मेंढक बाहर नहीं निकल सकता, तुम हमारी बात सुन लो। तो उसमें से एक मेंढक उनकी बात सुनकर अब हार मान जाता है, लेकिन फिर भी दूसरा मेंढक अपनी कोशिश करना जारी रखता है। वो कूदता रहता है, वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा रहता है। बाकी के मेंढक उसे कह रहे रहते हैं, तुम हमारी बात मान क्यों नहीं लेते, ये बहुत बड़ा गड्ढा है, तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। वो मेंढक जितनी बार वो लोग चिल्ला रहे थे, उतनी बार वो मेंढक और जोर से कूदने लगा, वहां से निकलने लगा और आखिर में वो मेंढक वहां से निकल गया। और जैसे ही वो वहां से निकला, सारे मेंढक उसके पास गए और उससे पूछा कि तुमने ये कैसे किया, आज तक ऐसे कोई मेंढक निकला ही नहीं, तुमने कैसे किया। तो कुछ देर बाद वो सारे मेंढकों को मालूम पड़ता है कि वो मेंढक को सुनाई नहीं देता था, और वो मेंढक को लगा कि बाकी के जो मेंढक है उसे कह रहे हैं कि तुम ये काम कर सकते हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हमें लगता है कि वो सही है, तो हमें उसे सफल करने की कोशिश करनी चाहिए कि और हमें किसी और बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मैं और वीडियो के साथ आऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय।